नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रावण के पहले दिन मानसरोवर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। भगवान शिव से लोक कल्याण की कामना। कोटेदारों को मिला आर्थिक सशक्तिकरण का डबल डोज। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू का हुआ आदान प्रदान। कोटेदारों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की भी मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कहा, उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है सरकार। प्राचीन मानसरोवर शिव मंदिर व रामलीला मैदान के पर्यटन विकास कार्यों का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। कहा, विरासत को नुकसान पहुंचाने वालों पर कराएं कानूनी कार्रवाई। सीएम योगी के प्रयासों से यूपी का टूरिस्ट कैपिटल बन रहा है गोरखपुर। रामगढ़ ताल में कियोकिंग करने के बाद बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। कहा, लग रहा है मुंबई में हूँ, कभी गिरती थी शहर की गंदगी, आज रामगढ़ ताल की खूबसूरती निहारने दूर दूर से आते हैं लोग। नाबालिग के अपहरण के आरोप में एक वांछित अभियुक्त विजय निषाद उर्फ रोहन को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 14 जुलाई से सावन का महीना हुआ शुरू। भगवान शिव के भक्त पूरे महीने करेंगे उनकी पूजा। सावन में रुद्राभिषेक का है बहुत बड़ा महत्व। मानसरोवर मंदिर के पुजारी ने कहा, भक्तों की मनोकामना को भगवान शिव करते हैं पूर्ण। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि जनता दरबार में गुरुवार को 800 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 150 फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मुलाकात कर समस्या को सुना और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बाकी समस्याओं को सुनने के लिए मंदिर प्रबंधन के लोगों को निर्देशित किया। गुरुवार को जनता दरबार में अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने राजस्व व पुलिस की टीम बनाकर समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Thank you.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण के पहले दिन मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण व उद्धार, सुख समृद्धि व शांति के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि श्रावण पर भगवान शिव की पूजा करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि सभी की मनोकामना पूरी करें। प्रदेश सरकार के राशन करीब 80,000 उचित दर विक्रेताओं कोटेदारों को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। कोटेदारों को CSC कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र के रूप में और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार तथा CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ, वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की घोषणा भी की। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपया हो गया है। इस लाभांश वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इससे कोटेदार और सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ आम जन को और तत्परता से प्राप्त होगा। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि CSC के रूप में उचित दर की दुकानों के विक्रेताओं को सक्षम बनाने तथा लाभांश में 20 रुपए की वृद्धि प्रदेश के 80,000 कोटेदारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का अभियान है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग कोटेदारों से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद कई बार कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से तकनीकी आधारित अभियान प्रारंभ किया गया। कोटे की दुकानों को तकनीक से जोड़ना वर्ष 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए सपना था, पर निर्धारित समय सीमा में 80,000 कोटे की दुकानों पर सरकार ने ई पास मशीन की सुविधा सुनिश्चित की। इसका परिणाम रहा कि कोरोना संकट काल में भी 15 करोड़ लोगों को बिना संकट राशन मिलता रहा। कोरोना के दौर में भी यूपी में कोटेदारों के सहयोग से जितनी अच्छी राशन वितरण व्यवस्था हुई है उसकी सर्वत्र सराहना की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है। हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। CM ने कहा कि तकनीकी को अपनाकर यहां के उन कार्ड धारकों को नेशनल पोर्टेबिलिटी से जोड़ा गया जो काम के चलते महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या अन्य राज्यों में हैं। इसका फायदा यह है कि किसी भी अन्य राज्य में रहने वाला यूपी का नागरिक अपने राशन कार्ड पर वहां खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इस तरह अन्य राज्यों के नागरिक भी यूपी में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। CM योगी ने कहा कि CSC से 80,000 कोटेदारों के जुड़ने से उनकी आय बढ़ेगी, अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इस CSC से मिलने वाली ई स्टैंप आय, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आधार, पैन कार्ड समेत अनेक सुविधाओं का लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की सभी 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक सुधार लाने को प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटे की दुकानों के CSC के रूप में सक्षम होने के साथ ही सरकार इनके जरिए बैंकिंग सुविधा के लोगों तक पहुंचाएगी। बैंकों के साथ
एमओयू होगा। सरकार कोटेदारों के जरिए सामान्य नागरिक के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटेदारों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संकट में साथ खड़ा होने वाला ही सच्चा साथी होता है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में आप सबने देखा होगा कि किस तरह केंद्र व राज्य सरकार हर गरीब के साथ खड़ी रही। महामारी में जितनी मौत बीमारी से होती है उससे अधिक भूखमरी से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र व राज्य सरकार ने हर जरूरतमंद को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। सीएम योगी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में भी प्रदेश में 30 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। सबसे बड़ा खाद्यान्न वितरण अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। दिसंबर 2021 से प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक भी मुफ्त मिल रहा है। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी मुफ्त दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो सामान कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया गया है वह बेस्ट क्वालिटी का है। कोरोना संकट में जब प्रवासी कामगार वापस उत्तर प्रदेश आए जो सरकार ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया, उनके लिए 6 करोड़ से अधिक लंच पैकेट व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाले अन्य राज्यों के लोगों को भी भोजन पैकेट व पेयजल उपलब्ध कराया गया। उन यूपी वासियों को जो किन्हीं कारणों से सक्षम नहीं थे उन्हें 15 दिन का राशन व 1,000 रुपया भत्ता भी प्रदान किया गया। कोटेदारों को प्रोत्साहित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में अन्न को ब्रह्म माना जाता है और अन्न दान को सबसे बड़ा दान। राशन वितरण व्यवस्था में आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्न दान के हकदार बन जाते हैं। आपके लाभांश में की गई वृद्धि के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर जब आप CSC से जुड़ेंगे तो आपकी आय भी काफ़ी बढ़ेगी। यह आपके श्रम और ईमानदारी की आय होगी। ईमानदारी की कमाई का अनुपम सुख होता है, जबकि बेईमानी से अर्जित आय को लेकर व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार आप कोटेदारों ने प्रशासन के साथ मिलकर निराश्रितों के घर तक राशन पहुँचाने में योगदान दिया है। सोचिए आपको कितना आशीर्वाद मिलता होगा। निराश्रित की मदद सेवा का परम धर्म है और यह आपको पुण्य का भागीदार बनाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू एवं CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुल राय ने MOU का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर स्वागत संबोधन प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी तथा आभार ज्ञापन खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने किया। इस अवसर पर गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायकगण महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष श्री भागवत मिश्रा ने कहा, जब तक माँ उस बालक को अपनी गोद में डाले। देश की ये
यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होता हुआ गुरु चरणों में शत शत नमन वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने संबंधी समारोह में मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को सादर प्रणाम स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। दिगर का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम सभी अतिथि देवों की परिकल्पना को सार्थक कर आदरणीय आयुक्त महोदय खाद्य एवं रसद विभाग श्री सौरभ बाबूजी से सादर अनुरोध करते हैं, नमन करते हैं, लिख करके आज की कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और ये लाभांश भारत सरकार और राज्य सरकार की दोनों के इनिशिएटिव से ये कार्य आरंभ किया गया है और 20 रुपए के लाभांश की वृद्धि की गई है। भले ही योजना ये लाभांश आपको छोटा लग रहा है लेकिन राज्य सरकार का वित्तीय भार काफी अच्छा खासा है, 200 करोड़ रुपए के करीब इसका भार है। साथ ही हम लोग आप लोगों ने जितना कोरोना पीरियड में और बाद के पीरियड में जितना खाद्यान्न वितरण किया है ये वास्तव में एक सराहनीय पहल है WFP के द्वारा। उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न वितरण को विश्व का सबसे विशालतम खाद्यान्न वितरण प्रोग्राम माना है और ये वास्तव में एक अचीवमेंट है। जितना सिस्टम क्योंकि इसको लेने का अब इतना आदत हो गया है, ऐसे लग रहा है बस महाराज जी यहाँ दी। हाँ, महाराज जी तो महाराज जी को देने के बाद महाराज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए अप्रैल 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क डबल राशन वितरित किया जा रहा है और संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूं चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो गेहूं चावल सहित 1 किलो चीनी प्रति माह निःशुल्क दी जाती है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक मुफ्त दिया जा रहा है। करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आकर के MOU का हस्तांतरण नींव का पत्र आप जारी करें। हस्तांतरण पत्र का आपस में MOU का हस्तांतरण होता हुआ करने के साथ इस क्षण को अभिभूत करें। समस्त हमारे विश्व विक्रेता आदरणीय आयुक्त श्री सौरभ बाबू जी खाद्य एवं रसद विभाग उचित दर विक्रेताओं को CSC के रूप में सक्षम बनाने हेतु MOU हस्ताक्षर के आज के इस कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश में उचित दर की दुकानों में शासन के द्वारा अब तक जो लाभांश उन्हें प्रति क्विंटल 70 रुपये दिया जा रहा था उसे बढ़ाने की जो कार्रवाई थी उसे आगे बढ़ाने के आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्री सौरभ बाबू,
स्टेट हेड सीएससी चतुर राय जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर जनपद के 1200 की संख्या में यहां पर उपस्थित उचित विक्रेता से जुड़े हुए हमारे सभी विक्रेतागण, खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित अन्य महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबको कल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आज भगवान भोलेनाथ का सावन का मास प्रारंभ हो रहा है, आप सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे इसकी कामना करते हुए आज जो यहां पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 80,000 राशन कोटे के जो दुकानदार हैं, उचित विक्रेता हैं, इन सब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक अभियान है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उचित दर के इन विक्रेताओं से ही अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। फ्री में या सस्ते में उन्हें खाद्यान्न प्राप्त होता है, लेकिन उस सब के बावजूद बहुत बार उचित विक्रेता, उचित दर विक्रेता के जो हमारे कोठेदार थे, उन सबको लोग बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। आपके बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग हो, इस पर अभियान प्रारंभ हुआ। 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना था, लेकिन क्योंकि 80,000 राशन कोटी की दुकान हमारे पास थी, क्या संभव हो पाएगा कि 80,000 राशन कोटी की दुकान में हम एक समय सीमा के अंदर ई पॉस मशीन लगा लें? उस समय कुछ राशन कोटे के दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम क्या रहा कि 3 वर्ष के अंदर ही कोरोना महामारी के आगमन के साथ जब आपने प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा देना प्रारंभ किया, तो समय आपके सामने कोई संकट नहीं आया। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटेदारों ने उचित विक्रेता, उचित दर के जो विक्रेता थे, इन लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने अच्छी व्यवस्था देने का कार्य किया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। सौभाग्यशाली आप इसलिए भी हैं, हमारे भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, पैसा सरकार दे रही है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। आपके, आपको जो श्रेय मिल रहा है, उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि देखिए हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका लाभांश प्रति क्विंटल जो 70 रुपया था, वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है। और यही नहीं, एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है और दूसरा सीएससी की सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आप
दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जुड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब एमओयू आगे बढ़ेगा तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान पे पैसा जमा हो और आपका पैसा, आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे, लेन देन जो हो वहां पर हो और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करें। और यही नहीं, बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारे ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है, क्योंकि बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वह उसको कभी फपता नहीं है। व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहता है कि कब पता नहीं कौन छापामारी कर दे, कब कौन क्या कर ले। विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए संभव, इसको सफल करने में इसलिए संभव हुए क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया, ई पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से, जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का, लेकिन वह कार्य करता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहां का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है, ये सुविधा भी उसको वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है। ये बड़ी संख्या इसकी यूपी, यानी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं, और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं, राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं और आप भी उसमें वो सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खाद्य विभाग के साथ निराश्रित लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में, उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता होगा आप लोगों को जब आप किसी निराश्रित बुजुर्ग को या निराश्रित महिला को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपका, आपके पास कोई सहयोगी जाता होगा तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम सुख जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना, सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक तो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं, दूसरा शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं, और तीसरा तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई तो आप सरकार में भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ आपके लाभांश को बढ़ाने और आपके यहाँ अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ये दो कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अभी कोरोना चल ही रहा है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान
जरूरतमंदों को राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अकेले कोरोना कालखंड में लगभग 30 लाख ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए। और यही नहीं, हम लोगों ने ऐसे लोग जो एक लाख अट्ठाईस हजार से एक लाख तीस हजार तक थे, एक करोड़ तीस लाख तक ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी, उनको भी अब हम राशन कार्ड बनवा करके उनको भी राशन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराना शुरू किया है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। यानी एक बड़ा कार्यक्रम था ये, दुनिया के अंदर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमा लगातार, और ये सितंबर तक है, इसमें इस साल इस वर्ष ही ये योजना भी। और राज्य सरकार ने भी 8 महीने 2020 में और 2021 में ये लगातार मई से लेकर के अभी चल रहा है। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर दिसंबर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय परिवार धारकों को राशन के साथ ही 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक भी उन्हें उपलब्ध करवाना शुरू किया था। और अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया था। यानी आपने देखा होगा जिस भी परिवार में ये सामान गया होगा वो खुश हुआ। सामान की क्वालिटी आपने देखी होगी, दाल की क्वालिटी आपने देखी होगी, जो बाजार का सबसे अच्छा माल है, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है अन्नदाता किसान के खेत का, अन्नदाता किसान के खेत का वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दाल हो, तेल हो या नमक हो, अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया गया जिससे उन जरूरतमंदों को उन सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। और संकट में जो खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है, यह साबित किया है कोरोना कालखंड में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हर एक गरीब के साथ खड़ा होना। यह सरकार की इसी व्यवस्था का हिस्सा है और उसी व्यवस्था के तहत आज प्रदेश के 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स को हम लोग सीएससी की सुविधा से आच्छादित करने, हर एक राशन कोठीदार के लिए लाभांश की राशि को 70 रुपए से बढ़ा करके 90 रुपए करने की इस कार्रवाई को भी आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटे के दुकानदारों को इन दोनों सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। और मैं आप सभी से गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के सभी राशन कोटेदारों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए जो इसका हकदार है। और मैं कह सकता हूं कि इसमें तकनीक का उपयोग करना, आधार सीटिंग की कार्रवाई हो। हम लोगों ने लखनऊ में एक जगह बैठ करके हम देख सकते हैं कि कहां पे ई पॉस मशीन में गड़बड़ी हो रही है और उसके माध्यम से हम लोग फिर उस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की कार्रवाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कदम और उठाए गए हैं जो हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सब सरकार के इस पवित्र मिशन के साथ जुड़ करके जो सरकार ने सामान्य दिनों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान भी करके दिखाया, हर महामारी का एक जो साइड इफेक्ट होता था वो ये होता था कि महामारी के बाद महामारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद होती थी, भुखमरी से होती थी और उसके बाद क्या स्थितियां बनती थी।
कोरोना ने तो एक बार जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को उसने पस्त कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना प्रबंधन का जो कार्य किया आज हम सबके सामने है। हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी थी, हर एक को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार खड़ी थी, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने के लिए शासन खड़ी थी। वर्षों पहले जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर के दूसरे राज्यों में जाकर के वहां अपना व्यवसाय या नौकरी पेशा कर रहे थे, कोरोना कालखंड में अगर उनका नौकरी पेशा या उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, अपने गांव की तरफ आए, सरकार ने उनके स्वागत के लिए पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया और उन्हें राशन कार्ड और उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के कार्य के साथ सरकार जुड़ी। आपने देखा जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उनके लिए जगह जगह हम लोगों ने 6 करोड़ से अधिक उस दौरान लंच पैकेट भी वितरण करवाए थे। खाद्य विभाग ने हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाया था, और यही नहीं उत्तर प्रदेश वासियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश होकर के जाने वाला जो भी कामगार और श्रमिक रहा होगा, जरूरतमंद नागरिक रहा होगा, हरेक के लिए सरकार ने शुद्ध पेयजल के साथ साथ उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था भी की थी, और उत्तर प्रदेश वासी के लिए व्यवस्था की थी कि अगर कहीं बाहर से आया है उसके पास सुविधा नहीं है तो सरकार ने उस समय व्यवस्था दी थी कि उसे 15 दिन का राशन उसके साथ पहुंचाने, 1,000 रुपए उसको उपलब्ध करवाने के साथ ही अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके लिए राशन कार्ड भी उस दौरान सरकार ने बनाने के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। आज फिर हम इस बात को कह सकते हैं सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने और उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का एक कार्यक्रम 80,000 कोटीदारों का होगा, लेकिन जो कोटेदारों के माध्यम से पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चलता है इसका लाभ प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों को प्राप्त होता है, और ये 15 करोड़ लोग भी आपकी इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। साथ साथ सीएससी की सुविधा का लाभ प्रदेश की 80,000 दुकानों में उपलब्ध होगा, तो इसका लाभ प्रदेश के 25 करोड़ जनता भी उठाएगी। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को भी यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा 25 करोड़ लोग इस सुविधा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि खाद्य विभाग और उत्तर प्रदेश के सीएससी के स्टेट हेड मिलकर के समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाने और राशन की जो हमारी दुकानें हैं इनके भी अपग्रेडेशन की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि राशन कार्ड की दुकान जो राशन उचित विक्रेता की दुकान है इनको हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए भी सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही, जिससे प्रदेश में 25 करोड़ लोगों को उनके फेयर प्राइस शॉप से सभी उचित मूल्य में वस्तुएं प्राप्त हो सके और उनके आवागमन के मार्ग में भी किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। एक बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और खाद्य विभाग के साथ साथ स्टेट हेड सीएससी और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को सभी कार्मिकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश भर के सभी 80,000 जो हमारे राशन कोठेदार हैं इन सबको आज लाभांश की राशि बढ़ाने और सीएससी की सुविधा से जुड़ने के लिए एक बार फिर से हृदय से बधाई धन्यवाद जय हिंद। आप आए और धन्यवाद ज्ञापित कर आज के कार्यक्रम में समापन की घोषणा। मेरा नाम श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। मुख्यमंत्री जी ने जो भी कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है। उन्होंने जो पूरे कोटेदारों को सीएससी से जोड़ने का काम किया है इससे गांव देहात के बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कोटेदारों की आय में वृद्धि होगी, ये बहुत ही सराहनीय पहल है और ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और योगी जी ने कोटेदारों का जो हौसला बढ़ाया कि कोरोना काल में इनके द्वारा जो राशन वितरण किया गया है, योगी जी ही नहीं,
मैं बता दूं आपसे, योगी जी ने गोरखपुर जनपद के विकास के लिए जितने भी युवा टीम के अधिकारियों को माननीय रवि कुमार एन जी साहब के नेतृत्व में, रवि कुमार एन जी के नेतृत्व में लोग टीम गठित किया था, उन अधिकारियों ने यह जनता में साबित किया कि सरकार आपके दरवाजे पर खड़ी है और कोटेदारों के सहयोग से पूरा गोरखपुर जनपद की नौ सीटें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की झोली में डालने का काम किया है। इसके लिए गोरखपुर जनपद की जितनी भी युवा टीम के अधिकारी हैं माननीय रवि कुमार एन जी साहब के नेतृत्व में और सारे कोटेदार बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद था। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, यह हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश वितरण के मामले में अगर दूसरा नंबर प्राप्त किया है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदुस्तान में दूसरा नंबर की हैसियत वाले, पहला हैसियत तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है लेकिन दूसरा हैसियत योगी आदित्यनाथ जी का है, और यह दूसरे नंबर के हैसियत वाले आदमी हैं और हिंदुस्तान में वितरण व्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त करता है, लेकिन पहले नंबर के व्यक्ति के राज्य में 150 रुपया गुजरात में कोटेदारों का कमीशन दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को मात्र 70 रुपया कमीशन था और 20 रुपया कमीशन बढ़ा गया जो बहुत ही नाकाफी है। इस पर हम कोटेदारों को बहुत संतुष्टि नहीं है, लेकिन चलिए कुछ बढ़ा तो सही, लेकिन इसके साथ जो CST जोड़ दिए हैं उसमें कोटेदारों को लाभ का अवसर प्रदान किए, यह बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रावण के पहले दिन मानसरोवर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक, भगवान शिव से लोक कल्याण की कामना। कोटेदारों को मिला आर्थिक सशक्तिकरण का डबल डोज, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का हुआ आदान प्रदान, कोटेदारों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की भी मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कहा उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है सरकार। प्राचीन मानसरोवर शिव मंदिर व रामलीला मैदान के पर्यटन विकास कार्यों का सीएम योगी ने किया लोकार्पण, कहा विरासत को नुकसान पहुंचाने वालों पर कराएं कानूनी कार्रवाई। सीएम योगी के प्रयासों से यूपी का टूरिस्ट कैपिटल बन रहा है गोरखपुर, रामगढ़ ताल में कियोकिंग करने के बाद बोले PWD मंत्री जितिन प्रसाद, कहा लग रहा है मुंबई में हूँ, कभी गिरती थी शहर की गंदगी, आज रामगढ़ ताल की खूबसूरती निहारने दूर दूर से आते हैं लोग। नाबालिग के अपहरण के आरोप में एक वांछित अभियुक्त विजय निषाद उर्फ रोहन को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 14 जुलाई से सावन का महीना हुआ शुरू, भगवान शिव के भक्त पूरे महीने करेंगे उनकी पूजा, सावन में रुद्राभिषेक का है बहुत बड़ा महत्व, मानसरोवर मंदिर के पुजारी ने कहा भक्तों की मनोकामना को भगवान शिव करते हैं पूर्ण। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप, जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट यू लाइक इट चीकू डॉगी को क्या पता कलर के बारे में। इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेडवेयर इटालियन कलेक्शन ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन सहयोग और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके संरक्षण का दायित्व आमजन को स्वयं उठाना पड़ेगा। हमारे विरासत को, इसके सौंदर्यकरण को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, यहां गंदगी फैलाता है, उसे समझाएं, इसके बाद भी वह उद्दंडता पर उतरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने में भी नागरिकों को संकोच नहीं करना चाहिए। सीएम योगी पावन सावन माह के पहले दिन गुरुवार को पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व वाले प्राचीन मानसरोवर शिव मंदिर तथा मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसरोवर मंदिर का विकास जन भावनाओं के अनुरूप कराया गया है, बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर सौंदर्यकरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि मानसरोवर मंदिर के तालाब को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी इसकी पहचान दिला सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं यहाँ से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त होगी, पर पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के नाम पर हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर ना खड़ा करें, गंदगी ना फैलाएं। कहा कि गोरखपुर में पर्यटन विकास की सुविधाओं को लेकर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास कार्यों के लोकार्पण के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से मानसरोवर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर लोक मंगल की कामना की। मानसरोवर शिव मंदिर को सजाने संवारने में 6,01,00,000 रुपए खर्च किए गए। मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, प्रसाधन, 50 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा, 2 टूरिस्ट शेल्टर, परिसर स्थित सरोवर पर रेड स्टोन रेलिंग, हवन कुंड, रेड स्टोन पाथवे, उद्यान, महिला पुरुष व दिव्यांगजन के लिए टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, बाउंड्री वॉल का निर्माण, लैंडस्केपिंग, प्रवेश द्वार, पार्किंग के निर्माण के साथ ही सोलर पैनल तथा विक्टोरिया व गार्डन लाइट लगाए गए हैं। मानसरोवर शिव मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान का जीर्णोद्वार तथा सुंदरीकरण 1,64,00,000 रुपए की लागत से कराया गया है। रामलीला के लिए मंच, ग्रीन रूम, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, उद्यान, 2 प्रवेश द्वार बनाने के साथ ही लैंडस्केपिंग भी कराई गई है। रामलीला मैदान में स्थित डॉक्टर B.R. अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का सौंदर्यकरण भी कराया गया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने कहा, श्री सीताराम जायसवाल जी यहाँ पर मंचासीन है, आप सभी से हम सबके बीच हमारे
अति लोकप्रिय माननीय नेता उत्तर प्रदेश आज भारत के अग्रणी प्रदेशों में खड़ा हुआ है। सब जितने भी प्रदेश वासी हैं वो सभी आत्मनिर्भरता के अपने स्थानों पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मोदी जी ने दर्शन पूजन करके आराध्य को पुष्पांजलि अर्पित की है और उनका रुद्राभिषेक किया है। माननीय जी का आगमन हो गया। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थानों पर खड़े होकर जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्राक्ष के पौधे को रोपित किया जा रहा है। ये एक संदेश है कि हमको अपनी पर्यावरण की सुरक्षा, अपनी धरती माँ की रक्षा करनी है और माननीय जी का वैसे भी कथन और ये संदेश है कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारी ये धरती माँ सुरक्षित रहे और पर्यावरण का सुंदर मंचन किया जा रहा है तथा इस मानसरोवर स्थल का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार करके आज इसे लोकार्पित किया जाएगा। माननीय धन्यवाद माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राजेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष और श्री पुष्पदंत जैन जी हैं। एक बार सुंदर सुसज्जित सुदृढ़ मंच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। महापौर महोदय से कि पुष्प द्वारा माननीय का अभिनंदन करें, स्वागत करें और माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से निवेदन है कि पुष्प द्वारा आपका। साथ ही साथ हमारे मध्य श्री पुष्प दंत जैन जी हैं, महामंत्री रामलीला कमेटी, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश, जो कि माननीय के लिए अंग वस्त्र लेकर आए हैं और साथ ही साथ रामलला का ये भव्य चित्र आपको भेंट कर आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। आप सभी के जोरदार तालियों के मध्य आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माने जैन साहब देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। बहुत ही आदर के साथ आपसे निवेदन है कि बटन दबाकर सबकी तालियों के मध्य इसका लोकार्पण गोरखपुर वासियों के लिए पर्यटन की दिशा में एक नया कदम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण इस प्राचीन मानसरोवर मंदिर के पर्यटन विकास की सुविधाओं के साथ ही रामलीला मैदान के पुनरुद्धार कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, महामंत्री रामलीला कमेटी और उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री पुष्पतंत जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व पार्षद और सदस्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण श्री पवन त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण और उससे उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज से सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि सावन मास की प्रथम तिथि को मुझे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का सौभाग्य इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में मानसरोवर में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही मानसरोवर के साथ साथ रामलीला मैदान की पुनरोद्धार, पर्यटन विकास की पुनरोद्धार की कार्य योजना को आज लोकार्पण का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले तक
पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए, और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहाँ पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था, गंदगी का अंबार था, कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हों। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ के जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा चारों मंदिरों को जन सहयोग से बनाया गया, मंदिरों को बनने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास भी हुआ है। यहाँ पर जो तालाब 5 वर्ष पहले गंदगी का अंबार था, आज वो तालाब कितना सुंदर है, और उस सुंदर तालाब के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं कितनी अच्छी बनी है, एक दर्शनीय स्थल बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव का यह महीना है सावन का महीना, सावन के मास में भगवान शिव भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होगी। एक कि हम लोग जन सहयोग से और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, एक बार दो बार इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसका संरक्षण का कार्य यह आम जनमानस को स्वयं उठानी पड़ेगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है हमारी विरासत का प्रतीक है, इसके सुंदरीकरण पर इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग उत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो, और अगर वह उदंडता में उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है आपकी, आपके पूर्वजों की। हम लोगों ने जन सहयोग से और शासन के सहयोग से इसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम किया है, कितना अच्छा ही बन गया है, लोग परिवार के साथ आके दर्शन कर सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्ष भर में यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तालाब के किनारे, तालाब में आप देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है, आज कोई भी उस पानी को वहां पे ले सकता है, उसको देख सकता है, वहां पूजा कर सकता है, लेकिन वह बने रहे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानसरोवर का इस सैकड़ों वर्षों की विरासत का पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि तालाब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी आप इसकी पहचान दिला सकते हैं कि अमृत सरोवर के रूप में आपने इस तालाब को कितना सुंदर बना दिया है, सुंदर तालाब हो चुका है। यहाँ पर ढेर सारी अन्य सुविधाएं इसके साथ यहाँ जुड़ेंगी, लोगों को प्राप्त होंगी। लेकिन हम पूजा करते समय इस बात को जरूर ध्यान दें कि पूजा के नाम पर हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर न खड़ा करें, गंदगी ना फैलाएं, कोई भी ऐसी वस्तु जो हम लोगों ने पूजा करने के बाद वहां छोड़ी है
उसको हम जो निर्धारित स्थल है वहीं पर रखें, जहां तहां न फेंके। मूर्तियों पर भी हम लोग तिलक लगाने का प्रयास न करें, गंदगी न करें, जबरदस्ती पानी डालने का काम भी न करें, कहीं जो रेलिंग लगाई गई है उसके साथ झूलने का प्रयास न करें। रेलिंग एक व्यवस्था है आपकी सुविधा के लिए, उन सभी कार्यों के साथ हम जुड़ जाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को यहाँ आने का अवसर प्राप्त होगा, वे लोग इसका आनंद ले पाएंगे, अपनी आस्था को शांत कर पाएंगे और उस सुविधा के माध्यम से उनकी आस्था भी प्रबल होगी, ढेर सारे लोगों के लिए अवसर प्राप्त होंगे। गोरखपुर महानगर में पर्यटन विकास की सुविधाओं को लेकर के अनेक कार्यक्रम किए गए, चाहे वह मुक्तेश्वर नाथ धाम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, चाहे वह यहां पर कालीबाड़ी मंदिर के लिए जो कार्य दिया गया था वहां पर पुनरुद्धार के कार्य का रहा हो, महादेव झारखंडी मंदिर है और भी हम लोगों ने अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। गुरुद्वारों के भी पुनरुद्धार के साथ ही वहां की सुंदरीकरण के कार्य मोदीपुर और जटाशंकर गुरुद्वारों में भी सुंदरीकरण के इस कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ा करके पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाओं को जन आस्था का सम्मान कर सके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज सावन के इस महीने में इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ लोकार्पण करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, बाबा भोलेनाथ से, बाबा गोरखनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो और हम सब पर्यटन विकास के साथ साथ विकास की सुविधाओं का लाभ भी लेंगे और गोरखपुर को सुंदर शहर बनाने में, विकास की और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आप सभी से निवेदन करके जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय तक प्रेषित करें। और आज श्रावण मास के प्रथम दिवस हमको, आज सावन का प्रथम दिन है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु गोरखनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने आज रामलीला मैदान और मानसरोवर पोखरे का जो पर्यटन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कराया है, यह अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर था वो बहुत जीर्ण अवस्था में थी, पोखरा भी बहुत उसी तरह था। महाराज जी ने जन सहयोग से चार मंदिरों का जो है निर्माण कराया और ये जो पर्यटन विभाग द्वारा इस विशाल मैदान का, मानसरोवर पोखरे का बहुत सुंदरीकरण कराया है। इसी के साथ साथ रामलीला मैदान जो सैकड़ों वर्षों से रामलीला वहाँ होती चली आई रही है और दशहरे के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज, बड़े दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, फिर अवैधनाथ जी महाराज, अब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज दशहरे के दिन भगवान राम का तिलक करने के लिए आते हैं। पहले शिव जी का पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके उपरांत जो है वह फिर रामलीला मैदान जाते हैं और वहाँ अपना भगवान का तिलक करने के बाद जनमानस को अपना संबोधन करते हैं। हिंदुओं और भगवान राम का जो चरित्र है उसके ऊपर विशेष रूप से वो प्रकाश डालते हैं ताकि आम जनमानस भगवान राम के चरित्र को जो है अपने जीवन में ग्रहण करे और अपने जीवन को धन्य बनावे। ऐसे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज हमारे बीच यहाँ आए और इतने बड़े परियोजना का लोकार्पण करके अभी गए हैं, हम सब बहुत ही धन्य हैं। आज हमारा समूचा हिंदू समाज गर्व से मस्तक से ऊंचा उठा है और आप देखिए इतना बड़ा भव्य मंदिर अयोध्या में, काशी में और तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार योगी जी करा रहे हैं, यह अपने आप में हिंदुओं के अंदर एक जागृति पैदा हो रही है और हिंदू चेतना आगे बढ़ रही है। हम ऐसे योगीश्वर को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा
इनको दीर्घायु करें और यशस्वी करें और आगे बढ़ाएंगे ताकि राष्ट्र का निर्माण और अच्छी तरह हो सके। जय भोले बाबा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पर्यटन के शानदार केंद्र के रूप में विकसित हुए रामगढ़ ताल में कियोकिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है। गुरुवार की सुबह इसकी शुरुआत के वक्त प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। कियोकिंग का लुफ्त उठाने के बाद वह बोल पड़े, मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ ताल को ऐसा सवारा है कि लग रहा है मुंबई आ गए हैं। 5 साल पहले तक उपेक्षित रहे रामगढ़ ताल की गिनती पूर्वी उत्तर प्रदेश के पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में हो रही है। जिस ताल में शहर भर की गंदगी गिरती थी, वह सीएम योगी के विजन और उसके अनुरूप हुए विकास कार्यों से ऐसा निखर उठा है कि दूर दूर से लोग उसकी खूबसूरती का दीदार करने आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग हो रही है। बड़ी सुविधाओं से पर्यटकों की आमद अधिक हुई तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार का भी मौका मिला। रामगढ़ ताल में कई तरह की आकर्षक नावों और डबल डेकर बोट की सवारी का आनंद लेने वालों को गुरुवार से कियोकिंग करने का भी अवसर उपलब्ध करा दिया गया। अब लोगों को कियोकिंग जैसे वाटर एडवेंचर के लिए मुंबई, गोवा या केरल नहीं जाना पड़ेगा। इसका आनंद रामगढ़ ताल में ही उठाया जा सकेगा। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप रामगढ़ ताल में कियोकिंग की शुरुआत करने वाले गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि अभी 5 कियोक मंगाए गए हैं। इससे लोगों को यहां पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह एक खेल की श्रेणी में आता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी गोरखपुर के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद रवि किशन शुक्ल, एडीजी जोन अखिल कुमार ने भी कियोकिंग की। कियोकिंग के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि आज गोरखपुर का नया नज़ारा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री जी ने इसका कायाकल्प कर दिया है। आने वाले समय में गोरखपुर प्रदेश का टूरिस्ट कैपिटल बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल एवं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा। अरे बीसी सर आप भी बैठिए, बीसी सर करिए इधर इधर। अरे कहाँ उधर, अरे भाई घुमाइए घुमाइए इधर घुमाइए, वाह 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 घुमाइए इधर। लाइए इधर बोलो, उल्टी एडीजी साहब साथ हो एक सरकार बटो काम कर काल में पीछे दिए और मंत्री जी का हाथ पकड़िए। हमें अपना जो लेक है गोरखपुर का, इसको पॉपुलराइज करना है। उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में इतना बड़ा लेक नहीं है, बट उस लेक का पूरा पोटेंशियल अभी रियलाइज नहीं हुआ है। उसी पोटेंशियल को रियलाइज करने के दिशा में ये पहला कदम है, एक कदम है। कई कदम उठाए गए हैं, उसमें से एक कदम है जिसमें कयाकिंग को ट्राई की गई है। कयाकिंग वर्ल्ड वाइड लेक्स में एक पॉपुलर स्पोर्ट है जो लेजर और प्रोफेशनल दोनों खेलते हैं करते हैं। इसी को पॉपुलराइज करने के लिए, क्योंकि नया स्पोर्ट है, नया क्षेत्र है, नए लोग कैसे आएंगे और करेंगे, उसको दिखाने के लिए आज कयाकिंग की गई है। मुझे उम्मीद है कि नवयुवक आएंगे और कयाकिंग का लुफ्त उठाएंगे, लेक के अंदर जाएंगे और कयाकिंग का अनुभव करेंगे, उनको बहुत मजा आएगा। आज गोरखपुर के लिए बड़ा ही शुभ है कि पूज्य महाराज जी यहीं पर हैं और अचानक से हमारे मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी भी यहाँ पर आ गए हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, विच इज सच अ सरप्राइज फॉर मी, मुझे एक सांसद के रूप में। और आज एक कायकी बोट हम लोग लेके आए, अनगिनत जैसे वाटर क्रूज अभी ऑस्ट्रेलियन आ रही है।
तो पानी का जैसे महाराज जी हमेशा चाहते थे कि वाटर स्पोर्ट्स रहें, लोग जागरूक रहें, टूरिज्म बढ़े, फिल्मों की शूटिंग जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 3 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त यहाँ हो रही है, रोजगार का एक नया आयाम छू रहा है गोरखपुर, उसमें आज इनके द्वारा ये उद्घाटन हुआ कायकी का बोर्ड का और इन्होंने स्वयं उतर कर इसमें पहल की। मुझे जाना था लेकिन ये जैसे मंत्री जी ने कहा और गो, तो मैंने बोला मंत्री जी जा रहे तो मैं एक सांसद के रूप में तो हम दोनों ने कायकी बोर्ड चलाया, ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था की और मैं सभी अधिकारी गण को जो भी जुड़े हैं इससे मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईडीजी भी बगल में हमारे साथ, ईडीजी सर भी हैं, अमित रंजन भी हैं, प्रेम रंजन भी हैं, तो सब लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का ही बात है कि आज मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गृह क्षेत्र में और हमारे सांसद जी ऊर्जावान रवि किशन जी के साथ आज यहाँ ये गोरखपुर का नया नज़ारा देखने को मिला है। लगता नहीं है कि गोरखपुर है, लग रहा है बम्बई आ गए, कायाकल्प कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, सांसद जी द्वारा। और ये बड़े मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ ये किया है पूरा परिवर्तन दिखता है, ये आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा और गोरखपुर जो है एक टूरिज्म की राजधानी बन के उभरेगा। राजघाट पुलिस ने नाबालिग के अपहरण में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बर्फ खाने के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजय निषाद उर्फ रोहन पुत्र राजेंद्र निषाद निवासी महेवा थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, देवेंद्र कुमार शामिल रहे। चौदह जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया जो 12 अगस्त तक रहेगा। इस सावन महीने में भगवान शिव के भक्त पूरे 29 दिन उनकी पूजा करेंगे और सावन में भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी का पत्ता, मदार का फूल, चावल और मीठा अर्पित करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है, जिसके संबंध में मानसरोवर मंदिर के पुजारी योगी हनुमान नाथ ने बताया कि मानसरोवर 1000 साल पुराना मंदिर है। मानसरोवर मंदिर के पोखरे में बाबा गोरखनाथ स्नान करके गोरखधाम मंदिर जाकर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपोभूमि गोरखनाथ है। उन्होंने बताया कि सावन महीने का बहुत बड़ा महत्व है। सावन में लोग रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को भांग, धतूरा, चावल, बेलपत्र, जल चढ़ाते हैं। इस मंदिर में सभी की मनोकामना को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मानसरोवर मंदिर के पुजारी योगी हनुमान नाथ ने कहा, हनुमाननाथ जी मानसरोवर पुजारी, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ मंदिर से चल कर मानसरोवर रुद्राभिषेक करने के लिए आए थे, रुद्राभिषेक करके और मंच पे जाके अपना सबको आशीर्वाद दे करके फिर गोरखनाथ मंदिर को वापस गए। और यहाँ बहुत प्रचलित स्थान है मानसरोवर, 1000 वर्ष का पुराना है। यहाँ पे बाबा गुरु गोरखनाथ जी मानसरोवर में स्नान करके गोरखनाथ मंदिर जा करके तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपोभूमि गोरखनाथ मंदिर है।
दशहरे में बाबा जी का जलूस जब निकलता है अभी दशमी को, तो यहाँ पे रुद्राभिषेक करके बगल में आपके रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का आरती पूजा करके कोरोना मंदिर जा करके भोजन रचना का आशीर्वाद देते सबको। महत्व यहाँ बहुत बड़ा है, सावन का भगवान शिव जी निकले हुए भगवान हैं, 1000 वर्षों का पुराना है मंदिर, बहुत प्रचलित स्थान है दिव्य। सावन में रुद्राभिषेक अभिषेक सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ भगवान को चढ़ाया जाता है। यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो भी कोई भी मनोकामना है, शादी है, ब्याह है, नौकरी चाकरी जो भी है, बाल बच्चा के लिए सबकी मनोकामना को भगवान शिव संपन्न करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रावण के पहले दिन मानसरोवर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक, भगवान शिव से लोक कल्याण की कामना। कोटेदारों को मिला आर्थिक सशक्तिकरण का डबल डोज, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू का हुआ आदान प्रदान। कोटेदारों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की भी मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कहा उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है सरकार। प्राचीन मानसरोवर शिव मंदिर व रामलीला मैदान के पर्यटन विकास कार्यों का सीएम योगी ने किया लोकार्पण, कहा विरासत को नुकसान पहुंचाने वालों पर कराएं कानूनी कार्रवाई। सीएम योगी के प्रयासों से यूपी का टूरिस्ट कैपिटल बन रहा है गोरखपुर, रामगढ़ ताल में कियोकिंग करने के बाद बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, कहा लग रहा है मुंबई में हूँ, कभी गिरती थी शहर की गंदगी, आज रामगढ़ ताल की खूबसूरती निहारने दूर दूर से आते हैं लोग। नाबालिग के अपहरण के आरोप में एक वांछित अभियुक्त विजय निषाद उर्फ रोहन को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 14 जुलाई से सावन का महीना हुआ शुरू, भगवान शिव के भक्त पूरे महीने करेंगे उनकी पूजा, सावन में रुद्राभिषेक का है बहुत बड़ा महत्व, मानसरोवर मंदिर के पुजारी ने कहा भक्तों की मनोकामना को भगवान शिव करते हैं पूर्ण। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।